कहानियाँ आसपास की जीने के एहसास की, इसी टेगलाइन के साथ RBS मोइन स्टोरीज पर मैं हूँ आपका दोस्त मोइनुद्दीन चिश्ती, हाजिर हूँ एक मोटिवेशनल वीडियो के साथ। हमारा आज का वीडियो जोधपुर के नवजीवन संस्थान के बारे में है। नवजीवन संस्थान एक ऐसा संस्थान जहाँ पर बच्चों और बुजुर्गों की सेवा की जाती है। किस तरह इस संस्थान ने जन्म लिया, किस तरह इस संस्थान की नींव रखी गई और ये संस्थान आज कैसे काम कर रहा है, आइए जानते हैं। मैं राजेंद्र परियार, संस्था प्रभारी नवजीवन संस्थान जोधपुर। हमारी नवजीवन संस्थान अनाथ निराश्रित बच्चे व बालिकाएं और वृद्धजन के लिए काम करती है। बच्चों को यहाँ रहना, उनको खाना पीना, एजुकेशन देना, उनको इस लायक बनाना कि वो पांव पे खड़े हो सकें, और वृद्धजन के लिए जो वृद्धजन अभी अंतिम पड़ाव पे आए हैं और गवर्नमेंट ने उसको निकाल दिया है, उनको उनकी हम सेवा करते हैं। और जब कभी भी उनको 100 वर्ष फूक जाते हैं तो उनकी इच्छा होती है कि हमारे धर्म के अनुसार आप हमारा अंतिम संस्कार करवा देना, तो हम लोग ऐसे करा के उनको विदा कर देते हैं। मेरे पिताजी श्री भगवान सिंह जी परिया, उनकी शुरू से बचपन से ही सेवा करने की इच्छा होती थी और वो सेवा करते थे, चाहे बच्चों को पढ़ाना हो, चाहे गौशाला में काम करना हो। उन्होंने तो एक बार राजस्थान में अकाल पड़ा था तो बहुत सारे चारे की व्यवस्था भी की थी गायों के लिए, और उनका एक सिस्टम था कि हर साल 5-6 आँखों के कैंप लगवाते थे और वहाँ आँखों के ऑपरेशन हुआ करते थे। एक बार हमारे बहूजी जा रहे थे तो रास्ते में देखा कि नाले के पास बहुत से लोग इकट्ठे खड़े हुए बैठे हैं, तो हमारे बहूजी ने देखा क्या बात है, देखा अंदर एक बच्चा है जो उसके हाथ पांव हिला रहा था और लोग उसको देख रहे थे। तो बहूजी नीचे उतरे, उस बच्चे को लिया और उसको हॉस्पिटल ले गए। तब से उनके मन में एक आया कि क्यों नहीं अपन एक ऐसी संस्था खोली जाए जो इन बच्चों को बचा सकें। ये सोच के बहूजी ने एक नवजीवन संस्थान की स्थापना की और आज वो एक वट वृक्ष की तरह फैल रहा है। बहूजी हमको शुरू से यही सिखाते थे कि हमेशा किसी को कोई तकलीफ नहीं देना, हमेशा सेवा करना, किसी की हेल्प करना, और उसकी हेल्प करना जिसका कोई नहीं हो। तो उसी विचारों को रखते हुए और बहूजी की जो इच्छाएं थी उनको ध्यान रखते हुए हमने बहूजी के जाने के बाद में बहुत एक्सपेंशन किया ताकि बहूजी की जो इच्छाएं हैं वो पूरी होए। किसी को अनजान कोई बच्चा मिलता है या किसी के घर का बच्चा होता है तो वो लाके पालना में बच्चे को रख देते हैं और रख के दरवाज़ा बंद करके और चले जाते हैं। जैसे ही बच्चा पालना में रखते हैं तो वहाँ घंटी बजती है और अंदर स्टाफ को पता लगता है कि भी पालने में बच्चा आ गया है, तो स्टाफ अंदर जाके दरवाज़ा खोल के पालने का और बच्चे को अंदर लेके जाती है और ले जाके बच्चों को क्लीन करती है। हमारे यहाँ जो बच्चे आते हैं वो बच्चे नालों में से आते हैं, कचरे के ढेर में से मिलते हैं, पुलिस लेके आती है, हॉस्पिटल से आते हैं, कई बच्चे सड़क पे छोड़ के झाड़ियों में छोड़ के चले जाते हैं वो बच्चे आते हैं, रेलवे ट्रैक से बच्चे आते हैं, कुछ बच्चे हमारे यहाँ पालना में छोड़ के चले जाते हैं। बच्चों की जो बच्चे हम लोग जो रिसीव करते हैं वो बच्चों की ऐसी हालत होती है, कई बार तो बच्चे अनक्लीन होते हैं, बच्चों के शरीर के ऊपर ब्लड भी होता है, कांटे भी लगे होते हैं, चूहे काटे हुए होते हैं। तो पहले उन बच्चों को हम देखते हैं कि उनको सारा क्लीन करते हैं, उनको इंस्टूबेटर में रखते हैं बच्चों को, और वहाँ क्लीन करने के बाद में और डॉक्टर उनको चेक कर लेता है, चेक करने के बाद में उनका ट्रीटमेंट शुरू होता है।
क्योंकि जो बच्चा आता है वो ठंडा होता है तो पहले वार्मर में रखते हैं, अगर ऑक्सीजन की कमी होती है तो इंसुबेटर में रखते हैं, और इस तरह से यहाँ डॉक्टर और नर्सिंग की सुविधा है जो वो बच्चों को देख लेते हैं। हमारे यहाँ 0 से 6 साल तक के बच्चे अलग रहते हैं और 6 साल से बड़े बच्चे अलग रहते हैं। अब ये ज़रूर है कि बच्चे का कोई धर्म पता नहीं पड़ता है, तो इसलिए हम कोई धर्म के हिसाब से कोई नाम नहीं रखते हैं, लेकिन हमारे जो एक लिस्ट बना देते हैं बच्चों की कि अगर पहले लड़की आएगी तो ये नाम होगा और पहले लड़का आएगा तो ये नाम होगा, तो 20-25 नाम लिस्ट से लिख देते हैं और जब भी जो बच्चा आता है उसका नाम वो रख देते हैं। कई बार बच्चे कम वजन के आते हैं, प्री मैच्योर होते हैं, कई बार बच्चों को नाले में फेंक देते हैं तो डैमेज हो जाते हैं उनके सिर, तो ऐसे बच्चे मन बुद्धि के हो जाते हैं, साइबर पल्सी के हो जाते हैं, बेड रिडन बच्चे हो जाते हैं, तो उन बच्चों को रहने के लिए एक अलग व्यवस्था है, वो बच्चे वहीं रहते हैं। उनमें से जो बच्चे जो बेड रिडन नहीं हैं उन बच्चों को पढ़ाने के लिए ट्यूटर आता है और बच्चे स्कूल भी भेजते हैं बच्चों को, वो पढ़ाई करते हैं। हमारे यहाँ जो लो वेट के बच्चे आते हैं, कम उम्र के बच्चे आते हैं, तो उनको माँ का दूध की बहुत आवश्यकता होती है। हमने एक मदर मिल्क बैंक शुरू किया है, उसमें हम लोग बाहर से दूध लेके आते हैं और हमारे उसको दूध को पैस्टराइज करने के बाद में बच्चों को हम 6 महीने तक पिला सकते हैं। जो बच्चे 6 साल से बड़े बच्चे हैं वो सब बच्चे स्कूल जाते हैं, जो मेंटली एक ठीक है वो बच्चे, और सब बच्चे अलग अलग स्कूल में पढ़ते हैं, कुछ बच्चे हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं, कुछ बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं। बच्चों की जितनी पढ़ने की क्षमता होती है उसी हिसाब से बच्चों को स्कूल में डाला जाता है और फिर उसी हिसाब से बच्चों को कॉलेज में डालते हैं। जो 6 साल तक के बच्चे हैं उनमें से जो बड़े बच्चे जो 3 साल से ऊपर होते हैं उनको स्कूल की शिक्षा देते हैं और उन बच्चों के रहने के लिए एयर कंडीशन रूम बना रखे हैं, और 1 साल से छोटे बच्चे हैं वो भी एयर कंडीशन रूम के अंदर रहते हैं, और 6 साल से जो बड़े बच्चे हैं उनको रहने की बहुत अच्छी सुविधा है, उनके एयर कंडीशन रूम है, बच्चों का खाना खाने के लिए डाइनिंग हॉल है, रसोई घर है, बच्चों को पढ़ाने के लिए एक ट्यूशन रूम बना रखा हमने, और उसके साथ में हम कंप्यूटर भी रूम है, कंप्यूटर की शिक्षा भी बच्चों को यहाँ देते हैं, और बच्चों अगर टीवी देखना चाहे तो नीचे इंडोर टीवी लगा रखा है, ऑडियो वीडियो सब लगा रखा है, बच्चों को समय अनुसार बच्चों के ज्ञानवर्धक की फिल्म दिखाते हैं, एक लाइब्रेरी है जहाँ बच्चे बैठ के बुक्स पढ़ते हैं, बहुत अच्छी कहानियों की बुक्स होती है, बच्चों को पता पड़ता है कि हमारे जो पूर्वज लोग कैसे थे, कैसे क्या सिस्टम था, वो सब बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। जिस तरह से घर के अंदर बच्चों के खाने पीने के लिए हर एक सामान डाइनिंग टेबल पे पड़ा रहता है, तो हमारे यहाँ भी बच्चों के फ्रूट्स जितने भी हैं वो डाइनिंग टेबल पे पड़े रहते हैं, बिस्किट्स पड़े रहते हैं, और बच्चों को अगर चाहिए कि मेरे को कोल्ड ड्रिंक्स लेना है या आइसक्रीम खानी है फ्रिज में से, तो बच्चों के लिए कोई लॉक नहीं है, जैसे घर में बच्चे खाते हैं वैसे जाके कोल्ड ड्रिंक्स लेके पी सकते हैं, आइसक्रीम लेके खा सकते हैं, केक लेके खा सकते हैं, अंदर पेस्ट्री वगैरह सब हम लोग रखते हैं, बच्चे आराम से ले सकते हैं। हमने बच्चों का एक रूटीन तय कर रखा है कि बच्चे सुबह से लेकर शाम तक उनकी दिनचर्या कैसी रहेगी, तो दिनचर्या के हिसाब से पूरा दिन चलता है, और हम जो बच्चे बड़े बच्चे जो हैं और जब कभी भी बच्चे अगर फ्री होते हैं और बच्चों का इंटरेस्ट होता है तो बच्चे रसोई में हमारे जो रसोई की जो माताएं खाना बनाती है उनके साथ में ये बच्चे हेल्प करते हैं। मैं आपको एक जानकारी देना चाहूँगा कि आज तक हमने
1489 बच्चे गोद देती है। जब ये बच्चे छोटे से जब बड़े होते हैं, वैसे बच्चे 2-3 महीने के बाद गोद जाते हैं, तभी भी हमको ऐसा लगता है कि हमको बहुत एक दुख होता है कि ये बच्चा गोद जा रहा है। एक आँख में पानी आ जाता है कि ये बच्चा इतने दिन रहा हमारे यहाँ, हमने इसकी सेवा की और ये बच्चा जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ हम सोचते हैं कि बच्चे का भविष्य के लिए बच्चे को जाना ज़रूरी है। जो बच्चे गोद नहीं जाते हैं वो यहीं पढ़ते हैं, स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं। हमारे यहाँ एक ये भी सिस्टम है कि जो बच्चे गोद नहीं जाते हैं और उनकी एजुकेशन पूरी हो जाती है, तो उन बच्चों की हम उसको अच्छा वर देख के उसको शादी करके उनको पुनर्वास कर देते हैं। अखबार में एडवर्टाइजमेंट देते हैं, हमारे पास खूब सारी एप्लीकेशन आती है, उसमें से हम लड़का सेलेक्ट करते हैं, लड़की से भी पूछते हैं भी ये लड़का है ऐसा है, तो वो उसकी हाँ भरने के बाद में हम लोग तय कर देते हैं। और बच्ची को हम लोग सारे गिफ्ट देते हैं, सारे जो घर में एक गृहिणी को रहने की जो आवश्यकता चाहिए वो सारी देते हैं। जैसी कि परंपरा रही है, जब शादी करने के बाद में बेटी की जब डिलीवरी होती है तो वो मायके आती है। हमारे यहाँ एक मायके बिल्डिंग बनी हुई है अलग, वो बच्ची वहीं रहती है और हम उनकी फर्स्ट डिलीवरी यहीं कराते हैं, और डिलीवरी कराने के बाद में उसको 2-3 महीने के बाद में उसको वापस उसके ससुराल भेज देते हैं। जो बच्चे स्कूल जाते हैं उनके माता पिता का नाम मेरा ही लिखा जाता है, उनको एक बाप का एक स्थान नाम मिलता है, वो मेरा नाम उन बच्चों को देते हैं। बच्चों के आधार कार्ड भी उसी से बनते हैं, बच्चों की शादी हो जाती है तभी भी वो उसी हिसाब से चलता है। '89 से संस्था चला रहे हैं और जोधपुर के लोगों का हमारे प्रति बहुत सेवा का भाव है, और बच्चों के हमारे प्रति मीन्स बच्चों के प्रति सेवा का बहुत भाव है, और वो जो भी चीज़ हमको चाहिए वो लाके यहाँ दे देते हैं। तो इस कारण से हमारी संस्था बहुत अच्छी चलती है, हमको चाहे बच्चों का एसी चाहिए कोई भी चाहिए तो वो लोग लाके दे देते हैं। और हमारे यहाँ कोई खाने पीने की कोई चीज़ की आवश्यकता होती है, रिक्वायरमेंट होती है, तो हम गेट के बाहर एक बोर्ड लगा हुआ उस पर लिख देते हैं। तो कई बार मैंने देखा लोग वहाँ से निकलते हैं, फ़ोटो खींच के ले जाते हैं और सामान ला के हमें दे देते हैं। तो इस तरह से हमारी आवश्यकता है सब पूरी हो जाती है। कोई भी हमें अगर मदद करे तो हमसे टेलीफोन से कॉन्टैक्ट कर सकता है या संस्था में आके मिल के कॉन्टैक्ट कर सकता है, और हमारी जो आवश्यकता होती है हम उनको बता देंगे ताकि हमारे कुछ हेल्प मिल सके। अभी जो स्कैन पे जो आ रहा है वो बैंक का, हमारा SBI बैंक है, उसके अंदर हमारे अकाउंट नंबर वगैरह सब लिखे हुए हैं। आप जो भी अगर डोनेशन भेजना चाहें तो हमारे इस अकाउंट से आप भेज सकते हैं। यदि आप पहली बार RBS मोइन स्टोरेज पर इस वीडियो को देख रहे हैं या किसी भी माध्यम से पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, तो हमारे चैनल RBS मोइन स्टोरेज को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही मोटिवेशनल कंटेंट लेकर आते रहते हैं। वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो वीडियो को भी लाइक कर दें। बने रहें हमारे साथ RBS मोइन स्टोरेज पर। धन्यवाद।